कभी कभी होता है कि बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, तीन चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान, ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर पीला चंदन, लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो, क्यों भटक रहे? भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। या करो हो जाता है, काया सफेद हो जाती है, या चमड़ी सफेद पड़ने लगती है, या काली पड़ने लगती है, या नेत्रों के नीचे कालापन आ जाता है, उसके लिए भी अशोक सुंदरी का ही पूजन किया जाता है। अशोक सुंदरी पर कब करते हैं? कहा सोमवार की अष्टमी पड़ने वाले दिन शंकर जी पे जल ना चढ़ा, नीचे लगाओ पात्र, और जहां अशोक सुंदरी वाली लाइन है, जिसकी आंखों में कालापन आ जाए, नेत्रों के नीचे कहीं सफेद चमड़ी पड़ जाए, कहीं चर्म रोग हो जाए, और कहीं फुल्कियां शरीर की निकलने लगे, कहीं कोई भी शरीर का चर्म रोग हो, उसमें अशोक सुंदरी वाली जगह पर दूध और जल दोनों को चढ़ाया जाता है। दोनों को चढ़ाकर उसको पात्र में झेला जाता है। सोमवार की अष्टमी के दिन इसको सुबह चढ़ाया जाता है, शाम के समय इसी जल को उठाकर, शाम पड़ते समय बिल्कुल संझा के समय पर पानी में मिलाकर इससे स्नान कर लिया जाता है, चर्म रोग समाप्त हो जाता है, चर्म रोग की समाप्ति। पर उसी दिन करना है, सोमवार की अष्टमी के दिन। कौन से दिन? सोमवार। लगभग वर्ष भर में 2 या 3 पड़ती है, अब के साल में तो 3 पड़ गई, अब अगले साल देखो कितनी पड़ती है, 2 या 3 पड़ती है सोमवार की अष्टमी। चर्म रोग तक को मिटा देती है, अशोक सुंदरी का प्रमाण है, क्योंकि अशोक सुंदरी सुंदरता प्रदान करने वाली, अशोक सुंदरी निर्मलता देने वाली। सोमवार के दिन की अष्टमी पड़ने वाली, कौन से दिन? सोमवार के दिन कौन सी तिथि? जम के बोलो, अष्टमी। सोमवार के दिन अगर अष्टमी तिथि पड़े और उस दिन अगर 5 बेलपत्र भगवान शिव को समर्पित कर दिए जाए, तो व्यक्ति जो सोचकर, जिस कामना से, जिस मनवांछित फल के लिए बेलपत्र चढ़ाता है, उसकी वो कामना मात्र 3 महीने में पूरी हो जाती है। मात्र 3 महीने।
एक बात बहुत सुंदर है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कभी अगर मौका लगे सोमवार की अष्टमी पड़ जाए। क्या पड़ जाए सोमवार की? जम के बोलो जरा, अष्टमी। या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए, या हर महीने शिवरात्रि आती है, हर महीने आती है, या तो सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या फिर सोमवार की शिवरात्रि पड़ जाए, हर महीने आती है। प्रयास करना, कहीं से देसी गाय का दूध मिल जाए, थोड़ा सा दूध देसी गाय का मिल जाए, थोड़ा सा दूध। श्री शिवाय नमः। देसी गाय का थोड़ा सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, बेलपत्री के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर, मात्र बेलपत्री के पत्ते से एक एक बूंद अगर दूध, आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, और सोमवार की अष्टमी पड़ जाए या सोमवार की, जम के बोलो, शिवरात्रि पड़ जाए, उसमें केवल अगर देसी गाय का दूध मिल जाए, जर्सी गाय का नहीं हो, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए, बेलपत्री के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है, या मंदिर में शिवलिंग है, या तुम्हारे नज़दीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद, एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधि देव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींचकर आगे बढ़ा ही दे। मेहनत करना, कर्म पूरा करना, पढ़ाई अच्छी करना, और पढ़ाई के साथ में विद्या अध्ययन करने के साथ में, अच्छी मेहनत के साथ में देसी गाय का दूध भगवान शंकर को समर्पित करना, भगवान शंकर को समर्पित करना, देसी गाय का दूध धीरे 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 समर्पित करना, भाव के साथ आप समर्पित करें देसी गाय का दूध, एक एक बूंद समर्पित करें, धीरे धीरे समर्पित करें। और देसी गाय का दूध जब धीरे धीरे समर्पित करें, बड़े रास्ते से आनंद से धीरे धीरे जब आप समर्पित करेंगे बेलपत्री, वही दूध में सनी हुई बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, उस समय पर डंडी का भाग शिवलिंग की ओर नहीं होना चाहिए, उस समय पर डंडी का भाग जहाँ से पानी बहकर जाता है अशोक सुंदरी की ओर से, वहाँ पर होना चाहिए, कार्य में सफलता मिलती ही है। शिव तत्व को धारण करें। सोमवार की अष्टमी का मतलब आपको इंदौर की कथा में बताया था, जिस दिन शंकर और पार्वती के मिलन का दिवस हो, और केवल एक माता पार्वती के अकेले मिलन का नहीं, 64 योगनिया तक भगवान शंकर से मिलने के लिए आती है। पीला चंदन लगा लेना, कितना लगाना है, बीच वाला जो पत्ता है उस पर पीला चंदन, जब आपको लगे कि मेरा जीवन बहुत कष्टमय है, अब ये रोग, अब ये कष्ट दूर ही नहीं हो रहा, अब ये आए दिन तकलीफ पर तकलीफ बढ़ती जा रही है, आए दिन रोग बीमारी, पैसा घर में बच नहीं रहा, बहुत कष्टमय जीवन है, इसमें लगाओ पीला चंदन बेलपत्री की बीज पत्ती पर। महाराज, और बीज पत्ती पर जब चंदन लग जाए, लगने के बाद में ये दोनों पत्ती पर लाल चंदन लगा लीजिए, इन दोनों पत्ती के बीच में जो डंडी का भाग होता है, आपको कहा था, आपको स्मरण में होगा शायद, हमने जब बेलपत्री की महत्वता बताई थी तो उस बेलपत्री की महत्वता में कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीन हैं, बोला था, बीच में ये बड़ी पत्ती से लेकर जो दो पत्तियां होती हैं इनके बीच में जो जगह बचती है, इसमें माँ पार्वती के 64 योगनियां, माँ पार्वती अपनी पूर्ण सिद्धि के साथ में, जितनी भी देवी के स्वरूप हैं वो माता 64 योगनियां देवी के स्वरूप में यहां पर विराजमान होती हैं। दो पत्ती के नीचे से जो डंडी होती है नीचे तक, ये पूरी डंडी में 33 कोटि देवी देवताओं विराजमान होते हैं इस पूरी डंडी के अंदर।
तो ये बीच वाली पत्ती है, ये जो बीच वाली पत्ती का जो भाग होता है, इस पत्ती के भाग में शहद का प्रयोग कर यहां पीला चंदन, लाल चंदन, लाल चंदन, शहद का प्रयोग कर इसी तरह से पकड़कर ये बेलपत्री की जो डंडी है वो अशोक सुंदरी पर जब आप समर्पित करें तो जहां श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय पत्ती को चढ़ाकर केवल आपके हृदय की बात कहकर देवदिदेव महादेव से कोई भी शिव जी का मंत्र पंचाक्षर नमः शिवाय, षडाक्षर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव का मंत्र हो आपके पास में, उसको बोलते हुए देवदिदेव महादेव को धीरे धीरे जल की धार चढ़ाना प्रारंभ करो। जल की धार जब पूर्ण होने लगे, उसमें थोड़ा जल बचे, तब अशोक सुंदरी पर जो तुमने बेलपत्र चढ़ाई है वहां उस जलधार को चढ़ाए। ये प्रयोग आपको केवल सोमवार की अष्टमी पड़ने पर ही करना है। कौन से दिन करेंगे, जम के बोलिए जरा, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर यह प्रयोग करें और जल चढ़ाकर बाबा से विनती कर उसी बेलपत्र को वापस उठाकर कहीं जलाशय में या किसी पेड़ के नीचे विसर्जन कर दें और एक लोटा जल वहां भी चढ़ा दें। बस निवेदन कर आ जाइए, मेरा बाबा 3 माह के अंदर हाथ जरूर पकड़ेगा और आपको दलदल से बाहर निकाल देगा। बात और आपसे कहेंगे, उतारिएगा, जिसके शरीर में सफेद चमड़ी पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाता है या चेहरे पर आंख के पास में पूरा कालापन आ जाता है, उसको हमेशा याद रखना है, लाल चंदन का लेपन पीपल के पत्ते पर करिए। काय पर करना है, पीपल के पत्ते पर लाल चंदन का लेपन करिए। लेपन कर सोमवार की अष्टमी के दिन उसको लेपन कर वापिस निकाल कर शंकर भगवान पर उसका धीरे धीरे त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करिए। जब आप त्रिपुंड बनाकर लेपन करना प्रारंभ करें, उसके बाद उस चंदन को जो सोमवार की अष्टमी है तब निकाल कर लिया है और निकाल कर लाकर उसको डब्बी में रख लें। उस चंदन का प्रयोग चर्म रोग के स्थान पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना प्रारंभ करें, पानी के साथ मिलाकर। परंतु उस चंदन को केवल 6 से 7 दिन में प्रयोग करिएगा, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे चमड़ी, परंतु उसको सोमवार की अष्टमी के दिन सिद्ध कर बनाना है, उसको सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र, जो आपको आता हो, शिव जी का जो नाम आपको याद हो उसको बोलकर चढ़ा दो, उसको लिया, फिर उसको अपने शरीर पर लगाना प्रारंभ करो। उसका फल आपको 15 दिन के अंदर धीरे 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 प्राप्त होना प्रारंभ। लाल चंदन का प्रयोग शिव जी के लिए अवश्य। सोमवार के अष्टमी के दिन अशोक सुंदरी वाली जगह, सबको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह, अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 हल्दी की बिंदी रख दी जाए, लड़का लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ उसका हाथ रख दिया जाए और वही हाथ के छापे पीपल के वृक्ष पर 5 लगा दिए। पक्का हो जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। भगवान शंकर और पार्वती का मिलन, ऐसी कौन सी कामना है जो शिव पूर्ण नहीं करते? बस आपका विश्वास, आप उस पर भरोसा करना तो पूर्ण करना। पूर्ण ना सुंदर लिखा है, कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिंगो कर अपनी कामना कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। श्री शिवाय नमस्तु। तो जिनकी यहां संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रति कार्तिक महीने का एक नियम बना लो आप भी, कोई सा भी एक नियम, शाम के समय पर दिया लगाऊंगी मैं बेलपत्री के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे, वहां लगाने नहीं जा सकती तो अपने दरवाजे के बाहर लगाऊंगी, तुलसी के क्यारे में लगाऊंगी।
ये भी नहीं कर सकती। परिंडे पर दिया लगाऊंगी, जहां पानी का मटका हो, हंडा हो, वहां लगा दूंगी। ये भी नहीं कर सकती तो पूरे कार्तिक के महीने में दरवाजे पर मैं पानी छींटूंगी। इतना तो बना सकते हो कि अपने घर के दरवाजे पर मैं पानी छींट दूंगी, द्वार पर जल का छींटा कर दूंगी। ये भी नियम ना बने तो मैं प्रतिदिन ठाकुर जी को एक तुलसी का दल समर्पित कर दूंगी। तुलसी का दल। आज एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, गौ माता के घी का बड़ा महत्व है जी, बहुत ध्यान देना। साल में दो बार या तीन बार गौ माता के दूध से निर्मित, वो भी देसी गाय के द्वारा निर्मित घी दरवाजे के बाहर, अगर तुम्हारे घर में बहुत अशांति हो रही है, क्लेश हो रहा है, घर में शांति नहीं है, तो गाय के घी की एक बिंदी भी अगर दरवाजे के बाहर मात्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर घी को लगाकर उस हाथ की बिंदी को दरवाजे पर लगा दिया जाता है तो घर में से क्लेश समाप्त हो जाता है। व्यापार में काम अच्छा नहीं लग रहा, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा, जिसके मन में लगता है कि मेरे मन से मुझे अच्छा नहीं लग रहा, उतने से मन को आनंद की अनुभूति हो। आज भी कर देख लेना और पत्र लिख कर भेज देना, 7 दिन के अंदर बेचैनी बंद हुई कि नहीं हुई। किसी भी महीने के अंतर्गत प्रसंग में आपने नहीं सुना होगा कि भगवान विष्णु और भगवान शंकर का मिलन हुआ, पर कार्तिक महीने की बैकुंठ चतुर्दशी का दिन एक ऐसा होता है जिस दिन शंकर और शिव, शंकर भगवान और भगवान विष्णु का मिलन होता है। एक बात आपको पहले भी कही, सारी दुनिया की दिवाली देखना और उज्जैन महाकाल के उस पावन नगरी में हरिहर मिलन देखना। केवल एक कार्तिक का महीना, एक महीना ऐसा है जिस महीने में भगवान भूत अधिपति भूतेश्वर, भगवान शंकर और भगवान नारायण दोनों का मिलन हुआ है कार्तिक के महीने में। कार्तिक के महीने में, इसलिए भगवान सारे महीनों में सबसे ज्यादा प्रियता महीना कौन सा है बोलिए जरा। कार्तिक का महीना भगवान नारायण को अति प्रिय है, अति प्रिय। कई लोगों की आदत एक साथ रहे। शिव जी ने पार्वती जी को दो वर दिए, उसमें से एक वर दिया कि शिव और शक्ति का बल व्रत साधना उपास करने वालों के साथ, नियम धारण करने वालों के साथ में रहेगा। जो नियम धारण कर, आप किसी संकल्प को उठाइए, वो संकल्प आपका परमात्मा पूरा जरूर करेगा। आपका बल, आपने सोच लिया कि मुझे ये पद पाना है, आपने सोच लिया मुझे इंजीनियर बनना है, आपने सोच लिया मुझे डॉक्टर बनना है, आपने विचार कर लिया कि मुझे कमिश्नर बनना है, आपने विचार कर लिया मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे SP बनना है, मुझे TI, जो आप बनना चाहते हो, जो आप CA बनना चाहते हो, आज जो आप बनना चाहते हो, उसका बल आपके भीतर स्वयं शिव देते हैं। शंकर देते क्या है, बल प्रदान करते हैं। शिव जी देते ही बल है। अरे कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, जो गरीबों के दिल जगा तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। शिव देते क्या है, शंकर बल प्रदान करते। दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पे जल चढ़ाने से क्या होता है, दुनिया के लोग हंसेंगे शंकर जी पर एक लोटा जल चढ़ाने से फल क्या मिलता है, एक लोटे जल की महत्वता क्या होती है। दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर की आराधना का फल क्या होता है, दुनिया के लोग हंसेंगे कि भगवान शिव की भक्ति का फल क्या होता है, दुनिया के लोग हंसेंगे कि शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने का फल क्या होता है, शंकर भगवान का गुणगान करने का फल क्या है, शिव को एक चावल का दाना शंकर को चढ़ाने का फल क्या है, एक बार मुख से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय
षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का फल क्या है। ये दुनिया के लोग हंसते हैं, पर जितने लोग हंसते हैं हम उनसे कहते हैं, ये इतने जो पत्र यहाँ पर इकट्ठे होते हैं, थोड़े यहाँ रखें, आज पहले दिन यहाँ पर इतने पत्र, ये पत्र अलग, इन पत्रों को कभी मौका मिले और जिसके मन में संशय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथियों, भाइयों, बहनों, आशा करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज की कथा के माध्यम से गुरुदेव जी ने बताया है, एक बहुत ही अच्छा उपाय बताया है। उन्होंने अपनी कथा में बताया है कि जो तुलसी होती है, तुलसी की सूखी लकड़ी को घी में डुबोकर जलाने से, उसके आरती की तरह दीपक उतारकर, मतलब आरती उतारने से हमें कई अच्छे फल मिलते हैं, मतलब हमारा पृथ्वी पर दोबारा जन्म नहीं होता है, हम लोग सीधे देवलोक को प्राप्त होते हैं। इस तरह के अच्छे अच्छे उपाय बताए हैं गुरुदेव जी ने अपनी कथा के माध्यम से। ये भी बताया है कि अभी कार्तिक महीना चल रहा है, तो हमें कार्तिक महीने में भले कुछ ना करो, लेकिन एक नियम यह बनाओ कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में दीपक जलाना है। कार्तिक महीने में दीपदान का बड़ा ही महत्व होता है, तो हमें सुबह से जल्दी जग के नहा के ब्रह्म मुहूर्त में दीपक जलाना होता है, और शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल समर्पित करो, साथ ही साथ उस पर एक चावल का दाना चढ़ाओ। हो सकता है तो अगर पॉसिबल हो तो मंदिर जाके यह काम करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर मंदिर नहीं जा सकते हो तो अपने घर में जो शिवलिंग है, घर के शिवलिंग के ऊपर ही एक लोटा जल समर्पित करके एक चावल का दाना चढ़ा दो, आपकी मनोकामना पूरी होगी। कार्तिक के महीने में ये उपाय करने से बहुत ही अच्छे फायदे होते हैं और आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी हो जाती है। बाबा भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी करेंगे। और कार्तिक महीने में ब्रह्म मुहूर्त में एक दीपक जरूर जलाओ, वो एक नियम बना लो, चाहे वो शाम का समय हो या फिर सुबह का समय हो, लेकिन एक दीपदान जरूर करना का प्रण लो। तो इस तरह के बहुत ही अच्छे अच्छे उपाय गुरुदेव जी ने अपनी कथा के माध्यम से बताए हैं। अगर आप लोगों को कथा अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।